और इधर गुजरात के बाद तूफानी हवाएं अब राजस्थान में भी जा पहुंची और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तूफान रिपोर्ट जॉय की वजह से बाड़मेर में भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं तूफान की वजह से कई पेड़ भी गिर चुके हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए। बाड़मेर में 5,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से बाड़मेर जालौर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर से आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं तेल रिफाइनरी में 2 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है। तूफान को देखते हुए जैसलमेर से 450 लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट भी कर दिए गए हैं। तो वहीं जोधपुर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। गुजरात के कई जिलों में तबाही मचाने वाले तूफान ने राजस्थान के बाड़मेर में भी जमकर तांडव मचाया। वहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम पेड़ भी चंद सेकंड में उखड़ कर गिर गए, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। और इस खतरनाक तूफान का जो वीडियो सामने आया उसमें इसका असर साफ दिखाई दिया। वहां इतनी तेज हवाएं चली कि आसपास लगे टिन शेड हवा में तिनके की तरह उड़ गए। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि जब ये गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं तूफान की एक और तस्वीर सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल को तूफान से बचाने के लिए उसे रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया। और चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय से सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ को ही पहुंचा है। सैकड़ों पेड़ यहां पर उखड़ चुके हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ये तूफान और भी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन समय रहते प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों ने नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया। तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह बिपोर जॉय तूफान से प्रभावित कच्छ का दौरा करेंगे। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अमित शाह उन इलाकों में राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। गुजरात में बिपोर जॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मच गई। गुजरात के कच्छ में बिपोर जॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां का जखौ पहला इलाका था जहां एक दिन पहले तूफान समुद्र तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले जखौ में यह तूफान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचा, जिसकी वजह से वहां समंदर के किनारे भयंकर तबाही देखने को मिली। हवा की प्रचंड रफ्तार ने सामने आने वाली सभी चीजों को उड़ाकर रख दिया। जखौ बंदरगाह से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां बिपोर जॉय तूफान ने टिन के बड़े बड़े शेड को कागज की तरह उड़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस वक्त ये तूफान बंदरगाह से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इसके साथ ही वहां तेज बारिश भी हुई जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। वहां मौसम इतना खराब था कि दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखना बंद हो गया। हालांकि बाद में तूफान की रफ्तार कम हुई, तब जाकर लोगों को संभलने का मौका मिला। गुजरात के द्वारका से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तूफान के गुजरने के बाद भी वहां पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफी तेज थी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थी। ऊपर से तेज बारिश ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हवा कितनी तेज है। अब अगर मैं कहूं तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त हवा की रफ्तार है। तूफान के गुजरने के बाद द्वारका में हर तरफ तबाही के निशान दिखे। तेज रफ्तार हवा की वजह से मकानों के शीशे टूटकर सड़क पर आ गए। सड़क किनारे लगी छोटी दुकानें उखड़कर पलट गईं। तबाही के निशान यहां पर है, तबाही के निशान है ये, क्योंकि यहां पर नारियल भी बिकता था, पानी की बोतलें, जो कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिपोर जॉय तूफान गुजरने के बाद भी द्वारका में समंदर की लहरें दहशत पैदा कर रही थी। प्रशासन ने लोगों से अब भी समंदर किनारे नहीं जाने की अपील की। और उधर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के बिपोर जॉय तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस दौरे पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले अमित शाह बिपोर जॉय तूफान की वजह से अपना हैदराबाद का दौरा रद्द कर चुके हैं और उन्होंने दिल्ली में रहकर गुजरात के लिए किए गए राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। और अब बिपोर जॉय तूफान के गुजर जाने के बाद उसके प्रभावित इलाकों का दौरा करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचेंगे और उन इलाकों में राहत और बचाव कार्य की स्थितियों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11:30 बजे गुजरात पहुंचेंगे और कच्छ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले वो भुज में एक रिव्यू बैठक करेंगे और उसके बाद नालिया भी जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को उनका गुजरात दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन तेज हवाओं की वजह से रद्द कर दिया गया। उधर कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात के मांडवी में भी दिखा। मांडवी में तूफान के साथ तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिपोर जॉय तूफान के वहां पहुंचने के बाद ऐसी हवाएं चली कि कच्छ के इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई, क्योंकि तूफान की वजह से कई जगहों पर मकान ढह गए तो सैकड़ों पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। आने जाने वाली कई सड़कें पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने की वजह से बंद हो गई। रही से कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी। तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी वहां लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मांडवी के कई इलाके पानी में डूब गए। रिहायशी इलाके की सड़कें हैं जहां पर मांडवी में समंदर का पानी जो है वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर पहुंच चुका है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके।
और विपुरजॉय तूफान ने गुजरात के भुज जिले में भी भीषण तबाही मचा दी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया तो तेज हवा की वजह से बिजली के खंभे और भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गए और ऐसा लगा मानो वहां से सुनामी गुजर गई। कुछ ही घंटों में विपुरजॉय तूफान ने भुज शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। शहर के मेन रोड पर एक बिजली का पोल जमींदोज नजर आया तो कई जगह पेड़ों की डालियां गिरी दिखी। विपुरजॉय तूफान के दौरान हुई बारिश के बाद वहां कई जगहों पर पानी भर गया। भुज को लखपत से जोड़ने वाले रोड पर तो लगा जैसे सैलाब आ गया हो। बारिश का मटमैला पानी तेज रफ्तार से सड़क पर बहता दिखा। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की एक टीम वहां मौजूद थी जो लोगों से बहाव की तरफ न जाने की अपील करती दिखी। तो गुजरात में विपुरजॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। मांडवी में जगह जगह जल भराव देखने को मिला और जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें देखिए, कच्छ और सौराष्ट्र वो इलाके हैं, वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन आम लोगों की परेशानी कैसे बढ़ी है वो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। सड़कें अब यहां पर नजर ही नहीं आ रही, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अब ऐसे में वो लोग जो जिनकी जिंदगी अब पटरी पर तो लौट रही है लेकिन अभी भी वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि अब जल्दी से जल्दी कैसे ये सब कुछ ठीक किया जाए इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन जगह जगह आपको नजर आएगा टिन शेड कहीं पर गिरे हुए हैं, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी यहाँ पर उखड़ चुके हैं। और उधर गुजरात के द्वारका में विपुरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों के लिए सलामती की प्रार्थना की। और गुजरात में विपुरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। भीषण तूफान का प्रभाव खत्म होने के बाद द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम की जानकारी दी। सरकार और सरकार की पूरी टीम इस पे ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भयंकर तूफान से गुजरात में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तूफान प्रभावित द्वारका, कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका था। इस बीच गुजरात के कच्छ में नलिया में विपुरजॉय तूफान के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। नलिया के सभी इलाकों में तूफान का असर कई घंटे बाद भी बना रहा और इस तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। बिजली के कई खंभों पर भी तूफान की मार पड़ी जिसके बाद राहत और बचाव दल की कई टीमें उन पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी रही। कुछ पेड़ तो मकानों और दुकानों पर भी गिर गए थे लेकिन तेज हवाओं की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को उन्हें हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। हालांकि विपुरजॉय तूफान के नलिया पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसी वजह से तूफान के अगले दिन भी लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि चक्रवाती तूफान से गुजरात के कई जिलों में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए। एनडीआरएफ ने जानकारी दी कि तूफान की वजह से 23 लोग जख्मी हो गए जबकि तूफान आने से पहले पोरबंदर और राजकोट में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने बताया कि विपुरजॉय तूफान ने गुजरात के 8 जिलों में तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से वहां 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए जिससे 1000 गांवों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से गुजरात के 8 जिलों में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 23 लोग घायल हुए हैं। घरों के डैमेजेस की बात करें तो 500 से अधिक घर डैमेज हुए। हालांकि राहत और बचाव की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद दिखी। हालात खराब होने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया।